JDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स भामाशाह मार्ग गांधी चौक सुजानगढ़। हितेश ज्वेलर्स भरपूर कलेक्शन मनपसंद डिजाइन सोना चांदी डायमंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय प्रतिष्ठान हितेश ज्वेलर्स चंद्र मार्केट गांधी बालिका स्कूल के पास सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक राजस्थान में स्वागत करता हूं। सुजानगढ़ जिला बनाने का लेकर आंदोलन लगातार जारी है। आज 8 दिन हो चुके हैं। बदलाव कुछ ये हुआ है कि पहले हाईवे जाम करके लगातार 7 दिनों तक जो है आंदोलन चला, और अब हाईवे जाम जो है वो खोल दिए गए हैं। बोबा सर तिराहा जिसे NH 58 पर है, और जो छापर तिराहा है वो खोल दिया गया है, और पुराना बस स्टैंड पर ये धरना और प्रदर्शन अब शुरू हो चुका है। टेंट लग चुका है और आज सुबह से ही यहाँ पर जो है धरना चल रहा है। लोग यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में एकत्रित है। बाजार आज पूरी तरीके से बंद है, और बाजार की तरफ से भी, व्यापारियों की तरफ से भी ज्ञापन देकर जिला बनाने की मांग मुख्यमंत्री से की गई है। कल भी बाजार बंद रहना है। आइए, क्या कुछ यहां पर अभी भी घटित हो रहा है, सुजानगढ़ जिला बनाने को लेकर क्या जज्बा और क्या आक्रोश लोगों में मौजूद है। और ई बाद में किसान ड्रिया, यह पुराना बस स्टैंड का दृश्य है किसान ड्रिया, जहां पर टेंट लगा हुआ है और सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हैं। लेकिन बाजार आज बंद है क्योंकि बाजार का पूरी तरह से आज बंद रखा गया है। लेकिन किसान, दुकानें सभी बंद हैं। यहाँ पर उपस्थित है, धरना यहाँ पुराना बस स्टैंड पर चल रहा है। कोई बात को जनहित संघर्ष मोर्चा के द्वारा सब चीजों में ध्यान रा करे अपन लड़ाई से अब संचालित हो रहा है। और भाई राम को अब सुस्त मत हो, आज ये क्या हो गया, थोड़ो नींद उली, कोई बात होनी आराम उजार सोचिया। और ओ जो को मंगलवार ने बीके पच्चन को माने आदेश दे दे, मंगलवार दा इनो में ठंडा बजे ने, और अठे रातीज गाई लगा शेर गानार भोपाला गीत रे से चालू रेसी। लेकिन मंगलवार पछे तू मान जयपुर ही फोन कर दे, मैं जयपुर कौन जावा, मैं तो अठे रेसिया, आप जयपुर से जैसे ही वार्ता होती है फोन कर देना। आप उस नाके पर आओगा ने जहाँ थारे पूरी की पूरी फौज चक्का झाम ला दे, प्राण की जरूरत को नहीं, वार्ता खत्म होता ही फोन कर दे मान तो। और सेना में बैठे बैठे आदेश दे दीजिए भाई बनवार जी, रामनारायण जी, थे जयपुर उठे आन की बात मत कर जो, मान तो भी जाऊं निकलो ने विधानसभा सीएम हाउस हूं जा बैठा एक फोन ठोक दे जो भी गेट हूं कि आ बात हुई है। अगर जोर की बात हो जाए जना तो मैं ठाकन नेर छुए डीजे लिया भगे कांकड़ पर रहे, और कांकड़ पर बेसाउल बात नहीं करे जना से ए बोपा सर साला सर ए सुजानगढ़ वालों जका पूरी सीमा ने भी के ऊपर जो पहले दिन और दूसरे दिन जाम लगे थे वैसे ही जाम लग जाएंगे। क्योंकि जका दिन जो कोई तय थी 17 तारीख को वो मंगलवार वाले दिन भी नोदा दोषी जनता के मैं डबरा क्या तो माने पूरी आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री मोदी साहब शायद सुजानगढ़ ने जिलो बना दी थे सी शिष्टमंडल के साथ है। शिष्टमंडल ने बस शुभ समाचार लासी, और देखो बड़े संयोग की बात है, बी दिन मंगलवार है, मंगलवार है, और बालाजी ने नहीं मान्या वो गोठो भी राके सागे राके गुंदरा राके बुटो सारे है, और एक गोटा भी कौन सा काम चले की, और पंजाम फोक्सी पूछ की जनाबी का समझ में गोनिया सिरे आग दुनिया का नोकिया लागी चोट, आदमी तो एक हो और आ चोट दुनिया का नोकिया लागी तो जगह दिन देखो समाचार शुभ आएंगे, निश्चित रूप से शुभ आएंगे, ये मुझे अपेक्षा है। और से भाई आपने बालाजी ने जकदी ने आज वो आराधना करना चालू कर दियो, क्योंकि आज भी शनिवार है, सुजानगढ़ में जिलो बना रहा हूं। अब युवा आ गया, बूढ़ा भी आ गया, जगह 40 जो कोनी बे भी आ गया, और 12 विकलांग भाई बे भी साइकिल लेके कोई ने बैठ के बे भी आ गया, और
माँ के बीच में नारी शक्ति भी आ गई। तो निश्चित रूप से अब लड़ाई बिल्कुल जीत के पास में है। मैं देख रहा हूं कि एक सुंदर इतिहास सुजानगढ़ का रचा जा रहा है। इस सुंदर इतिहास रचने में जल जीवन समिति ने जो काम किया है, मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं मेरे सुजानगढ़ की प्यारी जनता का कि जब हमारा प्रतिनिधि काम नहीं कर पाया, हमारे जायज न्यायोचित मांग को गहला सरकार को समझा नहीं पाया, तो हम सब लोग, चाहे महिलाएं हो, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, व्यापारी हो, जो भी काम करते हैं, हम सब यहां पर आ गए हैं। और ये बात राजस्थान सरकार को पता लग गई तो हमारी एक विजय तो ये हो गई कि उन्होंने हमें वार्ता के लिए बुला लिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आखिरकार हम सबकी मेहनत, सब अपना काम रोजगार धंधा बंद करके कितनी परेशानी से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। अगर गहलोत सरकार को हमारे जनप्रतिनिधि ठीक ढंग से समझा देते तो आज हमें यहाँ पर खड़े होकर के अपना समय नहीं देना पड़ता। प्रजातंत्र में दो प्रकार के प्रजातंत्र होते हैं। एक प्रत्यक्ष जो स्विट्जरलैंड में है, पब्लिक ऐसे खड़ी हो जाती है और कानून बनाती है। नहीं, भारत तो बहुत बड़ा विशाल है, इतने करोड़ लोग कैसे अपना कानून बनाएंगे। तो इसके लिए हमारा प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र है। लेकिन जब हमारा प्रतिनिधि ही हमें ठीक ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहा है, तो हमने यहाँ पर विश्व में दिखा दिया है ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। पब्लिक खुद आ गई है और पब्लिक की मांग को, पब्लिक की जो न्यायचित मांग है उसको हम सरकार से मनवा के रहेंगे, उसको सरकार से मनवा के रहेंगे, सरकार के घुटने टेक के रहेंगे। मुझे गुरुदेव गुरुद्वारा कहते हैं कि भी अपना प्रशासनिक अनुभव भी बताओ, क्यों भारत सरकार के सर्वोच्च पद से रिटायर्ड हुआ मैं, और हर प्रकार की कई समस्याएं आई, उसका समाधान इंग्लिश में कहते हैं इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, अगर आप करना चाहें तो रास्ता तो अपने आप निकल आता है। तो कल मैंने तिराहे से अपना छापर तिराहे पर मैंने कहा था, अरे भाई गहलोत सरकार, अगर आप सोचते हैं आपका कलेक्टर नहीं है, अरे तो एडीएम है, इसको दे दो पावर, इसको पावर दे दो, हमें जिला बना दो। जन संघर्ष समिति काम कर रही है और इन ब्यूरोक्रेट से, इन आईएएस से अगर बात करना हो तो राजेंद्र कुमार नायक अपनी सेवाएं देने के लिए दिन रात हाजिर है। जो वार्ता हो रही है जहां मेरी जरूरत पड़े, क्यों यहां पार्टी की बात नहीं हो रही है, ना मैंने कभी करी है जन संघर्ष समिति के इस मोर्चे से, इस मंच से, ना मैं करूंगा। ये मेरे सुजानगढ़ की बात है, ये मेरे पैतृक जन्मभूमि की बात है। इसके लिए हम सब पार्टियों को छोड़ करके यहाँ पर आए हैं और इस बात को हम मनवा के रहेंगे। इसलिए मैं एक बार पुनः आप सबका, सुजानगढ़ के लोगों का, चाहे वो अभी यहाँ पर नहीं बैठे हैं, लेकिन सबका दिल चाहता है सुजानगढ़ जिला बने। अरे भाई, हमारा तो हक है, हम 15,000 किलोमीटर के दायरे में हैं, 5,000 किलोमीटर के दायरे को उन्होंने
जिला बना दिया। जो पंचायत का स्टेटस मिला था उसको दूधू को उन्होंने जिला डिक्लेयर कर दिया। अरे हमें जले पर क्यों नमक डालते हो गहलोत सरकार, हम लोग भी यहाँ पर जिंदा है और देखा देंगे, दिखा देंगे जिला बना करके। समझ जाइए ये हमारी ललकार है, ये हमारी आवाज है, ये न्याय की आवाज है। जय हिंद जय भारत। है तो निश्चित रूप से सुजानगढ़ को जिला बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अपना है, अपनी आने वाली पीढ़ियों का है। पहले अपना सुजानगढ़ जिला हुआ करता था, बीच में नहीं हुआ। आज याद करूंगा कन्हैयालाल जी सेठिया जी, जिन्होंने सबसे पहले जिले के लिए सरकार को लेटर लिखने शुरू किए, सरकार के संज्ञान में ये चीज लानी शुरू की। उसके बाद नरसाराम जी, फलवारिया जी, गोपाल जी, विजयपाल जी और पूरा जन संघर्ष मोर्चा और सुजानगढ़ के तमाम वो नागरिक जिन्होंने जिले के लिए किसी न किसी प्रकार से सरकार को ये आदेश, ये चेतावनी दी है कि सुबह सुजानगढ़ हमें जिला चाहिए। 19 जिले आज बने हैं राजस्थान में। तो गहलोत सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि सरकार आप बैठे हो तो कम से कम एक बार सुजानगढ़ की तरफ भी देख लो, इस सुजानगढ़ को भी जिला बना दो। आज ये आंदोलन सुजानगढ़ के बच्चे बच्चे का आंदोलन हो गया है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था बाल भारती इंटरनेशनल स्कूल का, केजी यूकेजी के बच्चे जिनको अभी ये नहीं पता कि जिला होता क्या है, उनको जिले के कोई फायदे नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि वहाँ क्या क्या ऑफिसर्स होते हैं, वो बच्चे एक ग्रुप के अंदर वी वांट डिस्ट्रिक्ट यूं करके वो एक सारे बच्चे मिलके नारे लगा रहे थे। उनके क्लास टीचर उनके बीच में खड़े थे। जो 3-4-5 साल के बच्चे, अगर उनमें अगर जिले के लिए ऐसा जुनून है तो अपने में तो उससे ज्यादा होना चाहिए। और अपन जितने यहाँ बैठे हैं, कई लोग नहीं आ रहे हैं, कई ये भी ये जिला नहीं बनेगा, अगर साथियों अपन संघर्ष करेंगे और ये अपन अगर मांग डेली अगर करेंगे तो जिला अपना शोर बनेगा, उसमें कोई दोहराई नहीं। एक निवेदन है, अपन यहाँ जितने लोग बैठे हैं एक लेटर अपन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेजे, अलग अलग प्रकार से भेजे, डाक ऑफिस आज भी अपने चलो, एक डाकघर में जाके सुबह एक लेटर लिखे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी सुजानगढ़ को जिला बनाओ। इतने लेटर अगर सीएम साहब के पास जाएंगे तो उनको भी सोचना पड़ेगा, यार एक आम आदमी आज उसका भी मेरे पास अगर लेटर आ रहा है तो मतलब वहाँ ये अलग जगह है, उन लोगों के दर्द है कि अब एक दिन और ठहरो बड़सूरू में, एक दिन ठहरो, दो दिन ठहरो, पास आवाज भाई एक दिन लागे पूरो पूरो दिन, अब बैठे दो फर ताई काम छलटा था पास कोई नहीं है। तो माने तो दुखी तो शायद सुजानगढ़ तहसील को सौ लास्ट गांव, चूरू जिले को भी सौ लास्ट गांव है। टुकड़ा में आना पड़े, टुकड़ा में यानी लालगढ़ आओ कातर और कातर आओ अरे छापर, छापर आओ सुजानगढ़, सुजानगढ़ आओ चूरू, सीधा आवाज एकदम आजकल बसा सीधी चालगी और बात तो ठीक होगी। तो सीधा आवाज सुजानगढ़ सड़क दे फुटेड़ी रोजी ने मरते ऊपर ऊपर बुरका दे, ऊपर ऊपर बुरका दे, डामर थोड़ा थोड़ा कालो कालो कर दे, यार पैसा जेब में गाल जा, नेता लोगों का तो यही काम है, ए खाजिया से सड़क क्या नहीं हुआ, सड़क तो टूटी, अब बताओ किया साले आदमी किया आवे किया फुगे, और तो ठीक है बस जिलो बन जाएगा तो एक ही सड़क साफ सर थे ध्यान लगा दो, चूहे को सर सारा जत्ता गाँव लगे ना सकला में जोरदार सड़क है, क्योंकि बठी कलेक्टर बठी एस पी बनसन जाना पड़े,